आफा व आना आगा कैफा अक्तो रजाई मिनका व अंता उधा इलाही इज़लम अस्अल का फतुती ومن الذي أسأله فيؤتي إلهي إذا لم أدعوك فاستجيب لي ومن الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لم أدعو إليك فترحمني ومن الذي أدعو إليه فيرحمني इलाही फुकुमा फलकतल बहरा ले मूसा अलैहि सलाम वन जेते अस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अन तुनजीनी मिम्मा अना फीहि व तुफर्रिजा अन्नी फरजन आजिलन गैर आजिलिन बे फज़लिका वरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मालिक अल्लाह इबादत कबूल फरमा, जिक्र पाक का इहतमाम इंतजाम कबूल फरमा, मालिक बानियान ने तौफीकात खैर की बरकत अता फरमा, तमाम मोमिनीन ने जुमला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा, इबला शराय साहब को मालिक से अते कामला कुली अता फरमा, इन्हें खानदान ने जुमला मरहूमीन दिया कब्र मुनव्वर हाजरी ने कोई मोमिन अगर बीमार है तो मालिक सेहत अता फरमा, कोई मोमिन बे औलाद है तो हयाती वाले बचड़े अता फरमा, कोई मोमिन बेरोजगार है तो इज्जत वाले रोजगार अता फरमा, मालिक इस कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, वारिस कायनात इमाम ज़मन जल ज़हूर फरमा, सन मौला दी ज़ियारत दे काबिल बना, सल्लल्लाहु मुहम्मद माल मुहम्मद वाली सलवात आवाज़े बुलंद पढ़ो लाऊं सदे क्यों हरदंदा हर सांस दे नाल दायमी मकरूद है आले मोहम्मद दे अबदी ए सनादा अलजदाउल एहसान इलल एहसान करदा करो सलवात बाबा जे बुलंद पढ़ो ला
पहले बिमला अपनी मजलिस का मैं पढ़ता हूँ। रशिया की एक रियासत है जिसका नाम है आज़रबाईजान। तारीख का एक वर्ग बढ़ समझ से मोरमणी मेरी जानकारी दी जरा मेरे लफ्सों के नाल सफर कर सकते मैं मुल्क जो लाख के रहा जिन हर जहन कबूल नहीं करता मेरी जानकारी सूझ जहन कबूल करता वजू मेरे पास कर रशिया की एक रियासत है जिसका नाम है आज़रबाईजान। किस जमाने इतने एक बादशाह हुकूमत करता है जिसका नाम है फजल इब्न आमिर। और जो है मेरे पास तारीख दसन मर के फजल इब्न आमिर तारीख दी सात धियां तो बाद बड़िया मंतां मुरादां बनियां फिर अल्लाह ने एक बेटा था शाही खतूत के बेटे की परवरिश होती आई 11 साल का बच्चा आ होया 11 साल तो बाद एक दिन दोस्तों के नाल शिकार की गर्ज नाल जंगल च गया दौरान सफर घोड़े को लठा तो बच्चा मर गया। जेल वालों बच्चे की मैयत घर आई महल पूरा शहर मातम कदम बन गया हर बंदा पिटन वाले हर बंदा रोम वाले जो हिट की वारे सही वो ही मर गया। तो बड़ा सहीन बादशाह है फजल इब्न आमिर ए पुत्र की लाश घर च रख के रोना नहीं बल्कि गुजरात इकट्ठा करके सल्तनत के दानिश्वरों इकट्ठा करके इस एक मीटिंग बुलाई है उन्होंने पास वेख क्या थे मेरा पुत्र नहीं होया मैंने नहीं लगे साड़ी नस्ल मुक गई कि मैं ये मौत तस्लीम ना करता सारे दानिश्वर इकट्ठे हो गए जितना पैसा चाहिए मैं देना जितने घोड़े चाहिए अस्तबल हाजिर फौजा चाहिए मौजूद नौकर चाहिए ले बने रूह जमीन ते घोड़े दौड़ा के कोई एक ऐसा हकीम तलाश करो जो इतने आके मैं मेरा पुत्र जिंदा कर दे जरा बंदा हाजिर बैठे जरा हाजिर बैठे मेहरबानी मेहरबानी तारीख की कोई नहीं देखा हर देश शास्त्र चुके हो गए। इस बादशाह का एक वजीर है फजल इब्न आमिर जेड़ा पोशीदा तौर पर तकिए के लिए बता भाई अली का शरीर आ गया अगर तुसी इजाजत दियो ना तो फिर मैं एक ऐसे हकीम नु जानूंगा जेड़ा अगर इत्थे आ जावे तो दे पुत्र जिंदा हो सकदा है जेड़ा बंदा हाजिर बैठे जेड़ा हाजिर बैठे मेहरबानी मेहरबानी जेड़ा अगर इत्थे आवे ना तो दे पुत्र जिंदा हो सकदा है उसको फिर जल्दी जा इंतजार क्यों पे कर दे जा अस्तबल हाजिर घोड़े का नौकर ले जा खजाना हाजिर पे छड़ ले जा अगर तेरे आखन से ना आवे तो फिर मैं आप जाके मिन्नत कर सकता ते उन ले आ सकते अपने पुत्र नु जिंदा कर वैसा या फिर अपने मैं पुत्र नु ले वे सकते को इन जिंदा कर वैसा उस ले को है इब्ने सलामा बादशाह दा चेहरा देख के अगर बादशाह छिटी गल्ला न कर जेरे हकीम दा मैं जिक्र कीता है ना उस हकीम दा अपना फरमान है उन सडन वास्ते ओदे कोल जावना नहीं पौंदा हकीम आप पे आ जाए बंदा सिद्ध नहीं तो होवे हलाली होवे अली वाला होवे बंदे नु सलेंदे देर लगदी है हकीम नु आंदे देर नहीं लगदी जेड़ा बंदा हाजिर बैठे जेड़ा हाजिर हाथ उच्च हैदरी शहर के बाहर आया कोहेज इब्न सलामा
باوضو ہو کے اپنے دور دا پورے ریاست دا واحد سی آیا شہر دے باہر باغ وچ آیا جڑا بندہ جاندا بیٹھے دو رکعت نماز ہدیہ زمانے دے امام دی بڑی جڑا بندہ جاندا بیٹھے سجدے سجدے کے زمانے دے امام کو حیاتی ہوئی سلے دے جیندہ سر سجدے چاہیے جب کائنات دا کل حسن امام حسن دی شکل ظاہر ہوئے مالا میں نہیں پتا تو سب کیری ہستی ہو سرکار فرمائے کہنے بلایا ہے مالا میں زمانے دے امام کو بلایا ہے مالا فرمائے نے تیرے زمانے دی حجت علی دی پگ دا وارث حسن ابن علی میں جڑا بندہ حاضر بیٹھا جڑا حاضر بیٹھا حسن ابن علی میں مولا اپنا پوتر زندہ کر دے جا کے پوتر زندہ کر دے مالا فرمائے میں اٹھا نہیں بنے گا وہیں اپنے بادشاہ نو اپنے مردہ پوتر نو اتھے لے آیا نال ریاست اعلان کر دے جے عیسیٰ سے فخر حسن ابن علی دا زندہ معجزہ دیکھنا ہوے باغ جا جاوے جڑا حاضر بیٹھے جڑا حاضر بیٹھے او بولے سی میرے نال حسن حسن دا زندہ معجزہ دیکھنا ہوے باغ جا جاوے اچھا تھوڑے کول نو ایتھے اعلان ہو جاوے بھئی بھئی صبح لے بھئی جیل میں فلاں کونے دے کسے پیر آمنے ہیں جو اس مردے نو زندہ کرنے ہیں کیا خیال ہے کوئی بندہ گھارے چباسی ہر کوئی اٹھے ہی پہنچی نا جو مردہ زندہ پیر ہو گئے ریاست سے پیران ہویا جو اللہ دا ولی آیا بیٹھے تے بادشاہ دا پتر زندہ کرنے ہیں جیڑا بندہ حاضر بیٹھے بادشاہ اپنے مردہ پتر نو چاہ کے باہ میں چاہیا بادشاہ نے پتر نو دنیا کے سما چھوڑیا دنیا نے حق دے امام نے اختیارات پہ جانے نہیں جو اللہ نے حق دے امام نو اختیارات کتنے دیتے ہیں امام نے پہلی چھوکر ماری نے فرمایا کم بے اذن حسن ابن علی اجا جملے نہیں مکے بچہ زندہ ہو کے پڑھ لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین میں بڑی پریشان ہوں سب شعبان دی فجر ہوئی ہے
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨੇ ਹੁਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਮਾ ਜਦ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ बाप है इमाम हसन
जिहड़े सऊदी अरब गए हैं हज या उमरा की गर्ज नाल या उत्थे रहे हैं जॉब के सिलसिले च बंदे सारे जानते हैं कि वह बाग अज भी मौजूद है बाग इमाम हसन मदीने के बाग अज भी मौजूद है अज भी मौजूद है ये बाग इमाम हसन का जी गल समझे हो ना तुम कि मदीने वाले बड़े गरीब हैं कि अगर अमीरी का म्यार पैसे तो मदीने वाले गरीब कोई नहीं इन्होंने को बड़ा पैसा ही मदीने वाले को तो मेरे पास पर भाई जरा छे महीने हुसैन छे महीने सफर करके नौकर खवाए रियाया खवाए सहाबिया खवाए उन्होंने उठ घोड़िया के राशन ही पूरे किए छे महीने फौज को खिला के फिर 60,000 दिनार दे के एक पूरा मौजा खरीद भी अगरे में हुसैन तो गरीब आई जेड़ा बंदा हाजिर बैठे जेड़ा हाजिर बैठे Yes, sir.
ਸਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਜੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਕਾਸਮ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਕਾਸਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਾਸਮ ਹਨਾਜ ਵੇ ਕਾਸਮ ਹਰ ਕਾਸਮ ਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਕਾਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹਨੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਆਦੇ ਕਾਸਮ ਮੇਰਾ ਦਿਨਾਰ ਫੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਕਾਸਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਨਕਾਰ ਜਦ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ
जो वेला याद है हुसैन ने आखा वसीयत पता है गल त्रै लिखी हुई है पहली हुसैन वीर हसन का सलाम मैं हसन की भी हसरत है कासम की मां की भी हसरत हो सी जब नहमी की रात धल पवे थोड़े एक लहजे वास्ते बनावे ना मेरे पुत्र नु बनरा जरूर बना अल्लामान 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 या अली दी राजी मैं लगे थोड़े एक लहजे वास्ते बनावे ना मेरे कासम नु बनरा जरूर बनावे अगली सत्तर अगली सत्तर ते बड़ी दुखी सत्तर है फिर फर्क लिखा दूसरी सत्तर यौम में आशूर जिसले सर गिणावन का वेला आवे फिर मेरे कासम मौत की इजाजत भी दे छोड़े सिराज साहब से इजाजत अगला जुमला पहाड़ मसाइब है जेरी गल हसन लिखी है ना फिर लिखा पहले शादी करे फिर मौत की इजाजत देवे तीसरी गल लिखी जिसले घोड़े तो लह जावे ना फिर मेरे कासम कब्र की जा भी देवे अगली गल बड़ी और की है जे कब्र की जा थोड़ी हुई ना मेरा कासम आपे कट्ठा होके सामने हुसैन रो नहीं दंडा दी अम्मा टुरी है मेरी आखियां रोमन सिख चाहिए आदि मेहंदी मैं देशा अली बीबी तू केड़ी केड़ी शायद जैसे बीबी आदि हुसैन तू एक मेरा गरीब फिरा कासम है मेरे अमीर फिरा दा पुत्र दा ओ यतीम है तू गरीब है बीबी आदि मैं तेरे वेल के आज मैं हां जाफर तैयार दिनो मेरे पेके भी अमीर मेरे शावर भी अमीर बीबी अजी जंगल कर बना दे पुत्र ही मेरे धी भी मेरी है भतरीजी भी मेरी है भतरीजा भी मेरा है बीबी अजी सारा सामान मेरे साथ अगला जंगला पता नहीं कोई बंदा किवें बर्दाश्त करे सी आलिया केड़ी केड़ी शह जैसे रो रो के बैठी आती है मेहंदी मैं दे अगली गल बीबी अजी दाज मैं दे अगली गल बीबी अजी वरी भी मैं दे अगली गल बीबिया सेवर भी मैं दे पहाड़ ही नसाए बता बीबिया कोशिश करे जो जेवर सारे पूरे हो गए अगर कई जेवर छोड़ पे कल शाम गरीबा मेरे नाल कल अकबर की शादी वाले जेवर मिल जा सिल कासम की बन रही अकबर की शादी अल्लमान अल्लमान कर बला बंद जी शादी फुफिया मेहंदी लाई का वेल कहता है गरीबी मां
किया मैं गरीब हूं, मैं मिंबर की कसम है गाजिया दे करना क्या है, जे लमाले शबीरा ने अब्बास को गाना बाथ में सेरा पावा पुत्र सेरे पे पैदी मैं तेरी वसीयत पूरी कर छोड़ी आ देख मेरे कासम नो सेरा तेरा सोना प्यार अल्लाह अल्लाह शादी हुई है दिन चढ़े बर्बादी हुई कासमो शहीद है जिन लाश खेमे आए ना सदा जेरे कनात आती है कैसा लाशा मेरे बच्चे की बरात आती अल्लमान 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 जिसकी हुसैन नाल मोहब्बत मैं अंदाजा नहीं हुई दो शहीदों की मोहब्बत हुसैन में पता नहीं कितनी आई मैं अंदाजा नहीं होया किसे दे कातिल नूं बददुआ निस्बत सी मैदान करबला हुसैन अकबर दे कातिल नूं बददुआ फरमाया अल्लाह तुहाडे इन मारे जिवे तुस मेरा मारे अकबर दे कातिल नूं बददुआ दित्ती सी ते कासिम कोई इतना प्यारा आया सी कासिम दे कातिल नूं बददुआ नहीं नहीं बल्कि कासिम दे कातिल नूं हुसैन पहले कत्ल कर फिर कासिम दे टुकड़े टुकड़े कातिल नूं पहले हुसैन कत्ल कर चलो एक गल भी दसी मैं लोगों को नहीं पता होता कासिम दे कातिल दा नाम है साद अजदी मलहून साद अजदी मलहून साद अजदी मलहून इस बेगैरत नूं हुसैन आके ना फौजे च पहले तलाश की फिर हुसैन ने नप गया कि सटे न जमीन हुसैन इरादा किते नूं बार करा एक कातिल उठे हुसैन ने पैर पे रखे पहाड़ ही मसाया है ने हाथ बन के आते अकबर दा बाबा अकबर बड़ा सोना है अकबर दे कातिल नूं कतल लिया किया मिन कतल क्यों करे ने कासिम को ये दा प्यारा हाल रो रो के हुसैन बैठा दे तेनू ई वास्ते मरे ना ते साडे दो घर बर्बाद कीते मेरे भेरा दा घर ही बर्बाद है मेरी धी दा घर ही बर्बाद है जेड़ी रो रो के आदी आई ना मेरे पेके रह गए ना मेरे सामने रह गए आदी आई कोई ना दसो मैं किनू लखवार लखवार दी मेरे परदादार मैं यतीम दा आखरी सवाल कासिम मैदान आया अरसल दा वड्डा पुत्र आया कासिम फिनार कीता दूसरा पुत्र आया कासिम फिनार कीता हत्ता कि चार पुत्र अरजक मलोन दे कासिम फिनार कीते इस इलाके आले ने चार पुत्रां दा मरी मनाई अपने रताप घोड़े ते बैठे जेल मल मिली
औरत कामना या हुसैन तो कुर्सी छुटी है सैयद थल काए दिता कासिम दी मां दरवाजे ते खड़ी दे दी आई ओ चवैन करके आ दे कासिम दी मां कुरान चावाल खोल अल्लाह दी रात मामा दी दुआ जल्दी कबूल करें दी है मंग दुआ मेरे कासिम दो खैर आदे ओ लड़न पे आन गए जद वास्ते मेरे जादी दी लोड़ आई
Put that